तो गाइस शाम होने वाली है, टाइम की तरफ देखें तो बिल्कुल 6 बजने वाले दुबई सिटी के अंदर, और किसी भी सेकंड इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो लॉगी वहां पे फायर वर्क मारेगा, क्योंकि लॉगी के पास घड़ी है। लॉगी जल्दी कर फटाफट टाइम देख के, और देख आई थिंक इलेक्शन तो खत्म हो जाने चाहिए। तो गाइस अभी भी आपके पास टाइम है, प्लीज अगर आपने चीफ को वोट नहीं किया तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। जितने भी बंदे वोट करेंगे उतनी ही हेल्प होगी हमारे चीफ की। पहली कितना परेशान लग रहा है, खत्म हो चुकी है। ऑलराइट ओके, सारे बंदे सोच चुके हैं ये कैसे इलेक्शन यार, कोई देखने ही नहीं आया। और मामा इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का सपना देख रहा है वो, इलेक्शन का सपना देख रहा है। और चौधरी साहब आंखें खोल के टीवी देख रहा है, इसके घर के अंदर कौन सा, ओ आ जाओ कोई यार, चीफ के घर की ऊपर टीएनटी किसने रखा, टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है भाई, सब कुछ टीवी कोई है ही नहीं यहाँ पर, लगता सारे हॉलिडे चले गए, आई थिंक होटल के अंदर कोई ना कोई बंदे होंगे। और मामा सारे भाग चुके हैं गाँव से, पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ पर लाइब्रेरी के पास भी थोड़े बहुत विलेजेस मंडरा रहे होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के पास भी लिटरली गाइस कोई भी नहीं है, पूरी दुबई सिटी खाली हो चुकी है, कहाँ चले गए यार ये। ओके कोई बात नहीं, रहने दोगे सुबह आके पता लग जाएगा सबको, तेरे पास पटाखे तो रेडी है ना। तो गाइस अभी हम वोटिंग शुरू करेंगे, सबसे पहले आती है बकरी। ओ माय गॉड, बकरी की वोटें देखो। ओह माय गॉड, चीफ भाई आई डोंट थिंक द चीफ तो क्या ड्रॉ हो गया, दोनों ड्रॉ हो चुका है सीरियसली। बकरी के लास्ट में 63 है, चीफ के लास्ट में 64। यस वी गॉट दिस गाइस, पता क्या बात है गाइस, आपने बहुत हेल्प की चीफ को जिताने में, और चीफ मेरे को बहुत खुश है। I think ये खुश इसका खुशी वाला मुंह है। तो कांग्रेचुलेशन चीफ, तू एक बारी फिर से जीत चुका है। और बकरी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगले साल फिर से इलेक्शन होंगे, तू फिर से भाग लेगी, लेकिन क्या पता अगले साल तू जीत जाए। और गाइस दूसरी बात, आज हैलोवीन है, और हैलोवीन के लिए हमने थोड़ी बहुत तैयारी भी करके रखी हुई है। तो लीजिए गाइस, हमारा पंपकिन हमारे घर के सामने है, तो मैंने और लोगों ने सोचा कि क्यों ना पूरी दुबई सिटी के अंदर सबके घर के सामने पंपकिन लगाया जाए। ओए कटोरी कैसा है, चीफ जीत चुका है ब्रो, तेरे को पता है चीफ जीत चुका है। अभी अटैक लॉगी, मैंने कुछ नहीं किया है। तो इसके अंदर गाइस हमारे पंपकिंस पड़ी हुई हैं, और मैं सोच रहा हूँ गाइस कि यहाँ पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, और बहुत सारा डायमंड और ब्लेज पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हमारे चीफ के लिए चीफ के घर के अंदर एक शानदार एक आलीशान चेयर सी बनाई जाए, जिसके ऊपर चीफ आराम से बैठ के दुबई सिटी का नजारा ले सके। ऑलराइट, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक पंपकिन रखना है लाइब्रेरियन के घर के सामने, और हमारा कैसल भी बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल कोने के अंदर, क्या बात है। और यहाँ पर मैंने स्लैब लगाना था, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम लगा लेंगे। और अगर ऊपर जाकर देखे तो हमारी एक रसोई सी बना के रखी थी, एक्चुअली मेरे को पता भी नहीं है कौन सी बिल्डिंग है, बट एनीवेज बहुत मस्त मेरे को लग रही है। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी जो कैंडिडेट थी वो हार चुकी, लेकिन कोई बात नहीं, शिप्स नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करेंगे आपके लिए भी एक पंपकिन। और दूसरी बात गाइस, एक बहुत ही खतरनाक चीज मैंने और लोगों ने करनी है, और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना, ऑब्वियसली हैलोवीन है, हम सोच रहे हैं कि पिलेजर्स के टावर के पास जाके भी एक पंपकिन रख के आते हैं। अरे वाह लोगी, तूने तो यहाँ पर रख दी है, एकदम बढ़िया। और वो जो हमारा होटल था पीछे, वहां पर भी तूने पंपकिन रखी हुई है ना, वहां पर रह गए यार, बेवकूफ कहेंगे यार। हैंग ऑन अ मिनट, मैं कितनी देर से देख रहा हूँ कि ये रात नहीं हो रही, ये रात क्यों नहीं हो रही, बट एनीवेज आई थिंक हैलोवीन की थोड़ी शाम होती है। कहाँ पे है ज़ॉम्बी, तो भी रैन दे आज हैलोवीन है, ज़ॉम्बी को छोड़ते हैं। तो गाइस मैंने, मुझे लगता है कि शायद हैलोवीन की शाम थोड़ी बहुत लंबी होगी, तो चला लगी उसके पास चलते हैं प्रिंसेस टावर के पास, और मैं चाहता हूँ कि वहां पर उनको भी एक थोड़ा सा पंपकिन देख के आते हैं यार, अच्छा लगेगा मेरे को। कमान आ जा, थोड़ा तीर कमान ले ले, वो बहुत खड़ूस लोग हैं, बात बात में मारते हैं वो लोग, मेरे को बैकअप देते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं, पंपकिन रखो और निकलो। तो गाइस हैप्पी हैलोवीन टू यू पिलेजर्स एज़ वेल। अभी वापस दुबई सिटी के अंदर चलते हैं, और जो मैंने बताया था चीफ के लिए मुझे स्पेशल चेयर बनानी है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी मैं शुरू करता हूँ अभी। इस बारी लॉगी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत खर्चा, कहाँ गया इस बारी मैंने सोचा लॉगी थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं, और चीफ के लिए एक सोने की चेयर बनाते हैं, जिसके ऊपर डायमंड भी हो और जिसके अंदर से आग भी निकले। तो आग फिल करना है कहाँ पर, अरे यार यहाँ पर क्रीपर फटा था यार, शिट यार, एक तो क्रीपर माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं यार, लॉगी इसको फिल करिए, मैं जरा काम करता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस कि चेयर के अंदर से हल्की हल्की आग भी निकलनी चाहिए, ताकि पता लगे कि दुबई सिटी का चीफ है। तो काम करते हैं, चेयर जैसी मैं कुछ चीज बनाता हूँ, मेरे को एक्चुअली चेयर की रेसिपी पता नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं ऐसे रखूंगा तो शायद चेयर बन जाए। अंडा, अंडे से कौन सी चेयर बनेगी, अरे मैंने पूरा डायमंड का ब्लॉक लेकर रखा हुआ है, इसको यहाँ पे रखना है, इसको ऐसे, तो आई थिंक चेयर जैसी चीज मेरे को लग रही है। तो गाइस होगा ये होगा चेयर का बेस, एक यहाँ पर, और लीज व्हाट द हेल, मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसी चेयर बनती है। ओह लॉगी क्या बना दिया, क्या बना दिया आपने, मार रहा हूं, वी हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम लॉगी, एक मिनट मार रहा हूं भाई, अपने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने हीरो ब्रायन अल्टर ऑफ हीरो ब्रायन, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या बना दिया गलती से, ये मैं अपने गोदाम के पास में हूँ यार, ये मैंने क्या बना दिया गलती से,
होली मूली मेरे को बचा ले यार, ये मैंने गलती। अबे कहाँ मर गया? ये रहा यार आपके पीछे पीछे, इधर है ये, रहा, ये देख मैंने क्या बना लिया मेरे हाथ में, देख डायनासोर का दांत लग रहा है मेरे को, ये क्या है ये? मुझे तो मैग्नेट लग रही है। अपने घर के अंदर से लावा लेके आ, और यहाँ पे जो नीचे क्रॉस बना हुआ ना, वो हमने जो अंडरग्राउंड क्रॉस बना के रखा है, इसको मैं बिल्कुल वहां पे फेंक के आता हूँ। तो आई थिंक जो भी इसके अंदर कुछ चीजें होगी, जो खतरनाक वाली चीजें होंगी, तो वो क्रॉस उसको देख लेगा। राइट, आई थिंक यही बेस्ट आइडिया होगा। चला जा मेरे पीछे क्विक, आराम से लगी बोलता क्यों नहीं, डरा रहा है मेरे को यार। स्लोली भाई, स्लोली 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 आगे चलना है। और मैं अपने टीवी से थोड़ा स्केरी म्यूजिक लगाता हूं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई आया है मेरे को, जैसे ही हमने आई से गाइस कुछ ना कुछ एक्टिवेट हमने कर दिया इस श्राइन जी जो ऑल्टर हमने, ये क्या है, क्या पटाखे मार रहा है, ये क्या लिखा है, लीव ना। अच्छा ये पोस्टर जो है अभी तक लगा हुआ है, और ये जगह जो है गाइस चारों तरफ से सील है, एकदम चारों तरफ से सील है। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर लावा लेके आऊंगा और लावा के अंदर ये फेंक दूंगा, लेकिन ऑलरेडी लगता है ये प्लान किसी को पता लग चुका है। पीछे मारो, पीछे कौन है, टीवी तोड़ू तेरा, लावा के अंदर डुबो के मार दो तेरे को, रुक तेरी, मैं रुक इधर, मैं घर जा रहा हूं। ओके गाइस मेरे को, और यहां पे चेस्ट कैसे पड़ा हुआ है, व्हाट, चेस्ट के अंदर चीजें पड़ी हुई है, कर्स डस्ट, और ये क्या है, अनहोली वाटर, ओह माय गॉड, ये कौन सा वाटर होता है, आई डोंट नो ये कौन सा वाटर है। तो ये 64 कर्स वाले डायमंड्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो काम करता हूँ मैं 64 नहीं लेता, लावा उठा ले मेरे को नहीं चाहिए, तो एक लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने एक 64 ये भी उठा लिया, और ये कर्स वाला ये भी उठा लिया, और ये आई डोंट नो ये कर्स टेस्ट पता नहीं क्या है, आई नॉट श्योर अगर इसको यहाँ पे कर दिया भाई आपने, आई डोंट नो कर्स डायमंड नहीं मेरे पास है अभी, पता नहीं, आई थिंक मुझे कर्स डायमंड लावा के अंदर फेंकना होगा, तो चला गया। ये काम करते हैं, कर्स डायमंड इसके ऊपर मारता हूँ, और लॉगी रेडी हो जा। तो कर्स डायमंड इसके ऊपर मैंने मारना है, और उसके बाद मैं जगह पूरी सील कर दूंगा। रेडी, 1 and 2 and 3, कुछ भी नहीं हो रहा, आई थिंक क्यू दबाकर फेंकना होता है। गुड आइडिया लॉगी, एकदम बढ़िया आइडिया। तो काम करते हैं गाइस, इसका फटाफट से मैं एक ब्लॉक बनाता हूं, तो अरे इसका ब्लॉक भी बनता है, एपिक यार। ओ, डेकोरेशन, ये क्या बना दिया, ये क्या कर दिया भाई आपने, आई डोंट नो, इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा मेरे को यार, रुको एक मैं तोड़ता हूं इसको मैं। आई थिंक लॉग, ये जो आसपास गोल्ड के ब्लॉक्स लगे हैं ना, अगर हम इसकी, अरे टॉर्चेस भी यहाँ पे 4 लगी हुई हैं, और अगर ये टॉर्च भी यहाँ से उठाऊं और ये टॉर्च भी यहाँ से उठाऊं, तो 3 टॉर्चेस मेरे हाथ में आ चुके हैं, और ये साइन भी मैंने चेंज कर दिया, इसकी जो एक्चुअल लेआउट थी साइन के मैंने चेंज कर दिया है, मेरी आवाज भी खराब हो रही है, आई डोंट नो। होली मोली गाइस, कुछ ना कुछ हमने इस वो भी हैलोवीन वाले दिन के ऊपर, तो गाइस जो भी एक्टिवेशन होगी इसको कैसे खत्म करना है आई डोंट नो। एक काम करते हैं लॉगी, दुबई सिटी के अंदर चलते हैं और सुबह आके बात करते हैं। हे क्या बात है गाइस, एकदम मस्त सुबह दुबई सिटी के अंदर हो चुकी है, और ऑनेस्टली मेरे को लगा था कि अभी तक यहाँ पर रात होगी, लेकिन नो, एकदम बढ़िया शानदार सुबह। लॉगी भाई कैसे हो, और सबको गाइस कांग्रेचुलेशंस, हमारा चीफ जो है वोटिंग जीत चुका है, और कहाँ पे है चीफ भाई, लगता है घर के अंदर आराम कर रहे होंगे, कहाँ पे है घोड़े, इसको कैसे घोड़े देख रहे हो, लॉगी तेरी तरफ देख रहा है, लॉगी की चेकआउट कर रहा है, लगे लगता है तेरे को फ्री में चीजें मिलेंगी अब तो, तेरे पास तो गांव वाले, मतलब तेरे से गांव वाले एकदम खुश हो चुके हैं, एंड आई थिंक गाइस आवर गांव इज लुकिंग हैप्पी। और जो भी हुआ रात को हैलोवीन वाली, तो जो मेन रात थी जो, और कल थी और आज है हैलोवीन का दिन, तो एक बार फिर से गाइस सबके घर के सामने हमने ये पंपकिन वगैरह लगा कर रखा हुआ है, एकदम मजेदार। तो हमारे घर के सामने पंपकिन, ये शिव के घर के सामने पंपकिन, होटल, लाइब्रेरी, ए बिद्दी कैसे हो, छोटे गांव वाले कैसे हो, तू बड़ा होकर अपना लाइब्रेरियन बनेगा, और तेरे से मैं बड़ी बड़ी किताबें लूंगा, तो पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दे, बनेगा भाई बड़ा होकर चीफ बनेगा, बड़ा होकर चीफ बनेगा गांव को, मेरे को ऑनेस्टली लग रहा है कि ये बड़ा होकर ये बंदा चीफ बनेगा। और लोग एक काम करते, रात को जब हमने वो चीज देखी थी ना, जो श्राइन हमने गलती से चीफ की चेयर बनाने के समय जो हम बना रहे थे, तो गलती से जो चीज हमने बना ली ना, एक काम करते हैं वो चेकआउट करते हैं आराम से नीचे, लगे कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल यहाँ पर भी, ओह माय गॉड, होली मोली, ओह माय गॉड, व्हाट, इसकी आंखें देख लो, इसकी आंखें नहीं है, ओपे हट, तू हट, इसको मार मार मार, ये यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर मेरे को डैमेज कैसे, ओ मामा हाथ जोड़ के डैमेज दे सकता, तू मेरे को रोल प्ले का बड़ा कर रहा है, हाथ जोड़ के मेरे को डैमेज कर रहा है, क्या बात है यार, खतरनाक चीज है यार ये तो, खतरनाक था यार, मैं तो सच में लगी, मैंने एक चीज अभी नोटिस की, क्या उस मैनेजर की आंखें वाइट थी, मतलब
मतलब हमारा हमारा सिटी भाई आई डोंट नो ये पता नहीं हमारे साथ ओके वी हैव अ प्रॉब्लम तो यहाँ पर तीन स्टैचूज बने हुए हैं हीरो ब्राइन के, तो यहाँ पर टैची के अंदर ये अनहोली वाटर लगा था, तो काम कर रहे तीन चार ये अनहोली वाटर की चीजें लेते हैं। तो यहाँ पर तीन स्टैचूज पड़े हुए हैं, क्या इसका मतलब ये है कि हमें सेल्फियां, मतलब यहाँ पर सेल्फी लेने का टाइम नहीं है, तेरे को जिंदा हो जाएंगे। यहाँ पे हीरो ब्राइन के साथ सेल्फी ले रहा, पागल है यार ये। तो क्या गाइस इसका ये मतलब है कि हमें तीन हीरो ब्राइन मारने होंगे? आई डोंट नो। तो चलिए गाइस इसी पहेली को सॉल्व करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।